चलो बच्चों, तो आज हम लोग इकोनॉमिक्स में चैप्टर नंबर 8 कंटिन्यू करें, जिसका नाम है एग्रीकल्चर सेक्टर। देखो, इस चैप्टर में कल हम लोग एक पॉइंट देख रहे थे कि जिस पॉइंट में हमने ये देखा था कि हमारी कंट्री एग्रीकल्चरल कंट्री होने के बावजूद यहाँ पर एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन जितना होना चाहिए ना उतना नहीं है, यहाँ की प्रोडक्टिविटी बहुत लो है। और क्यों लो है, तो उसके रीजंस कल हमने देखे थे। और कल जैसे उसके रीजंस देखे थे ना, जिसमें हमने इंस्टीट्यूशनल रीजंस, टेक्नोलॉजिकल रीजंस, अदर रीजंस वो देखे थे हमने, कि हमारे यहाँ पर एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी क्यों लो है उसके बारे में समझा था। और आज आज उसके बाद का कंटिन्यू टॉपिक देखें, जो है मेजर्स, मेजर्स टू इंक्रीज एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी। कल हमने रीजंस देखा था कि यहाँ की प्रोडक्टिविटी क्यों कम है, आज उसके रिलेटेड मेजर्स देखें, मतलब कि सॉल्यूशन देखें कि प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए। कल जो जो रीज़न देखे थे ना, अगर उन्हीं रीज़न को सुधारा जाए तो वो हमारे मेजर्स बन जाते हैं, बराबर ना। मेजर्स में भी वही तीन पार्ट आते हैं, इंस्टीट्यूशनल मेजर्स, टेक्नोलॉजिकल मेजर्स और अदर मेजर्स। तो ये तीनों मेजर्स देखें कि जिनके थ्रू हमारे यहाँ पर एग्रीकल्चर जो थोड़ा सा पीछे है ना, यहाँ की प्रोडक्टिविटी जो कम है ना, तो उसे सही की जा सकती है, बराबर। कि जिनमें सबसे पहले जो है वो इंस्टीट्यूशनल मेजर्स देखें, जहाँ इंस्टीट्यूशनल मेजर्स में भी सबसे पहला आता है लैंड रिलेटेड रिफॉर्म्स। इंस्टीट्यूशनल मेजर्स हम लोग किसे कहते हैं, कि जनरली जो भी रूल्स रेगुलेशंस हैं, गवर्नमेंट के रूल्स रेगुलेशंस, किसी से रेंट पे ज़मीन ली हो तो उसके रूल्स रेगुलेशंस से, अदर कोई भी, तो वो सब इंस्टीट्यूशनल मेजर्स में आते हैं। तो उनमें अगर चेंजेस किए जाएंगे ना, तो जिनसे एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी हम लोग इंक्रीज कर सकते हैं, कि जिनमें ही सबसे पहला यही आता है, लैंड रिलेटेड रिफॉर्म्स, बरोबर, ज़मीन के कुछ रिफॉर्म्स। तो जैसे हमने कल देखा था कि हमारे यहाँ पर हमेशा से ज़मींदारी सिस्टम चलता था, रैयतवारी सिस्टम चलता था, कि जिनमें फार्मर से इनडायरेक्टली इतना ज़्यादा टैक्स लेते थे कि वो एक तरह से फार्मर का एक्सप्लोटेशन ही होता था, फार्मर्स को लूटा ही जाता था, वही होता था। लेकिन अब उनमें रिफॉर्म्स किए गए, अब उनमें चेंजेस किए गए, ये लैंड रिलेटेड रिफॉर्म्स में, कि अब चेंजेस ऐसे किए गए कि हमारे यहाँ पर जो ज़मींदारी सिस्टम चलती थी वो बंद करवा दी गई, जो रैयतवारी सिस्टम चलती थी वो बंद करवा दी गई, और गवर्नमेंट ने उनके रिलेटेड नए रूल्स बनाए, कि जैसे टिलर्स लैंड, ये नया रूल बना, बरबर। टेनेंट एक्ट, टेनेंट मतलब जो जो भाड़े पे रहते हैं, जो भाड़े पर ज़मीन पर खेती करते हैं, तो उनके लिए नया कानून बनाया कि उनका रेंट कंट्रोल में ही होना चाहिए, कोई भी पर्सन, कोई भी फार्मर से बहुत ज़्यादा रेंट ना ले, मिनिमम रेंट गवर्नमेंट ने फिक्स किया कि हाँ भाई इतना ही रेंट उनको देना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं, बरोबर। ये उनको फ़ायदा दिया गया ना। इनके अलावा टिलर्स लैंड, ये एक नया कानून बना, गुजराती में हम लोग इसे कहते हैं ना खेड़े तेनी ज़मीन, खेड़े तेनी ज़मीन, इसका मतलब ये कहलाया कि हमारे यहाँ पर अगर कोई भी फार्मर किस कोई ज़मीन के ऊपर एज अ रेंट, मतलब कि भाई भाड़े पर, अगर वो 11 साल से ज़्यादा काम कर रहा है ना, तो वो ज़मीन उसके नाम की हो जाती है, बराबर ना। फिर उसे ज़्यादा रेंट देने की ज़रूरत नहीं है, वो ज़मीन उसी की ही हो जाती है। ऐसे गवर्नमेंट ने रूल्स बनाए कि जिससे जो है वो फार्मर्स को फ़ायदा हो, फार्मर्स का जो पहले एक्सप्लोटेशन होता था वो एक्सप्लोटेशन ना हो, फार्मर्स को पहले बहुत ज़्यादा जितना भी अनाज वो तैयार करते थे ना, उसमें आधे से ज़्यादा अनाज वो उनको एज अ रेंट दे देना पड़ता था, या तो एज अ टैक्स दे देना पड़ता था, जो अब सब बंद हो गया। और अगर ये सब बंद हो गया तो उनकी एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी धीरे धीरे इंक्रीज होने लगी, बराबर ना, प्रोडक्शन धीरे धीरे बढ़ने लगा, ये फ़ायदा हुआ। दूसरा आता है अवेबिलिटी ऑफ इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट। इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट, देखो ये भी हमने कल एक पॉइंट देखा था कि हमारे यहाँ पर फार्मर्स अगर अपनी ग्रोथ के लिए कुछ करते भी ना, कि भाई मुझे कुछ आगे काम करना है, फार्मर्स ऐसा सोचते, तो उनके पास पैसे नहीं होते, और पैसे उधार मांगने के लिए जिसके पास जाते ना, तो वो उन्हें इतना ज़्यादा हैवी टैक्स लेता था कि फार्मर्स वो ट्राई नहीं करते खुद को आगे बढ़ाने की। तो उसको रोकने के लिए और फार्मर्स की ग्रोथ के लिए ये इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट शुरू किया गया, अवेबिलिटी ऑफ इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट। आरबीआई ने 1982 में एक स्पेशल बैंक बनाई, जिसका नाम रखा नाबार्ड, नाबार्ड नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, जिसे शॉर्ट में नाबार्ड कहते हैं। 1982 में ये बैंक बनाई गई, जिसके अंदर और दो पार्ट बनाए गए, एक आरबीआर रीजनल रूरल बैंक,
और एक LDB लैंड डेवलपमेंट बैंक के, जिनका मेन मकसद यही था कि फार्मर्स को एकदम लो रेंट लो इंटरेस्ट पर उन्हें जो है वो क्रेडिट देना। मतलब अब अगर फार्मर्स को पैसे चाहिए, अब अगर फार्मर्स को उधार चाहिए, तो वो उधार लेने के लिए उनको यहाँ वहाँ भटकना पड़ता नहीं था। उन्हें उधार कहाँ से मिल जाता था? सीधा बैंक से, कोई ज़मींदार के पास, कोई दूसरे पर्सन के पास, मीडिएटर के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। बैंक सामने से उन्हें लोन देती थी, और जिस लोन के थ्रू फार्मर्स अपनी ग्रोथ कर पाते, बराबर ना? और वो लोन भी एकदम लो इंटरेस्ट पे, ज़्यादा इंटरेस्ट पर नहीं, ठीक है? ये एक रिफॉर्म, ये एक चेंजेस किया गया ना हमारे यहाँ पर। दूसरा आता है इम्प्रूवमेंट इन स्ट्रक्चर ऑफ एग्रीकल्चर मार्केटिंग। देखो, एग्रीकल्चर मार्केटिंग के स्ट्रक्चर में भी इम्प्रूवमेंट की गई, क्योंकि पहले क्या होता था, फार्मर्स के पास जो है वो कोई प्रॉपर मार्केट नहीं था कि अपना गुड्स, मतलब अपने जो क्रॉप्स हैं वो जाकर कहाँ बेचें। तो बीच में जो है वो ब्रोकर्स आ जाते, दलाल आ जाते, जो फार्मर्स से एकदम लो प्राइस में ले जाते और हैवी प्राइस में बाहर सिटी में बेचते। तो एक तरह से फार्मर्स का एक्सप्लोइटेशन ही हो रहा था। तो उसे रोकने के लिए एग्रीकल्चर मार्केटिंग में भी इम्प्रूवमेंट किया गया कि फार्मर्स के लिए अब रेगुलर मार्केट बनाए गए, कि जहाँ फार्मर्स को कोई मीडिएटर की ज़रूरत नहीं पड़ी और डायरेक्टली जो है वो अपना गुड्स, मतलब अपने क्रॉप्स वो खुद ही बेच पाते थे, बरबर ना? तो मीडिएटर्स हटाए गए। इनके अलावा एग्रीकल्चर मार्केटिंग के लिए कि ये एग्रीकल्चर का ही प्रोडक्ट है, इसके लिए गवर्नमेंट हर एक प्रोडक्ट को चेक करके उसमें एगमार्क का साइन लगाने लगी। फार्मर्स कोई भी प्रोडक्ट तैयार करते हैं ना, तो उनके ऊपर गवर्नमेंट की तरफ से एग मार्क का साइन लगता, नहीं वो ग्रीन कलर का एक डॉट आता है, सिंबल आता है कि हाँ ये एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है, बरबर? इससे पता चलता था। तो ये एक बेनिफिट होने लगा कि भाई फार्मर्स को जब ये अगर गवर्नमेंट का सर्टिफिकेट मिल जाता, समझो गवर्नमेंट जो है वो सर्टिफाइड ये प्रोडक्ट बन जाता, तो उसका कॉस्ट भी उन्हें अच्छा मिलता था, ये उनके लिए फ़ायदा हुआ। दूसरा कि जिन फार्मर्स का क्रॉप्स ऑन द स्पॉट नहीं बिकता है, तो उन्हें गोडाउंस की ज़रूरत पड़ती है, तो उनके लिए गवर्नमेंट ने गोडाउंस की फैसिलिटीज़ देने लगे, बरोबर? हर गांव में, हर प्लेसेस के आसपास छोटे छोटे गोडाउन बनाने लगे कि जहाँ पर फार्मर्स अपने क्रॉप्स वहाँ पे स्टोर कर सकें, ठीक है ना? हर फार्मर्स को मिनिमम प्राइस मिलना चाहिए, तो इसके लिए ये प्राइस का कंट्रोल भी वो गवर्नमेंट ने अपने हाथों में रखा कि जैसे ऑनियंस है, पोटैटो है, टोमेटो है, ये जो जनरल चीज़ें हमेशा जो बिकती है ना, तो उनके प्राइस का कंट्रोल भी गवर्नमेंट ने अपने हाथों में रखा। गवर्नमेंट ने नक्की किया कि चलो जो टोमेटोज हैं वो टोमेटोज इससे कम में तो नहीं बिकने चाहिए, बरोबर ना? मिनिमम प्राइस गवर्नमेंट ने नक्की किया। ज़्यादा तो का प्राइस तो हर एक पर्सन अपने हिसाब से नक्की करता है, लेकिन मिनिमम प्राइस गवर्नमेंट नक्की करती है कि जिससे फार्मर्स को नुकसान ना हो, फार्मर्स को मिनिमम इतने पैसे तो मिल सके ना, बरोबर ना? तो ये एक इम्प्रूवमेंट किया गया। उसके बाद आता है, वो आता है एग्रीकल्चर रिसर्च। एग्रीकल्चर के लिए भी, उसकी ग्रोथ होती रहे, तो उसके लिए भी कंटिन्यूसली रिसर्च होते रहते हैं कि भाई नई नई टेक्निक्स फाइंड करते हैं, बरोबर? नई नई मेथड फाइंड की जाती है कि जिससे फार्मर्स की भी ग्रोथ हो और एग्रीकल्चर प्रोडक्शन की भी ग्रोथ हो, प्रोडक्टिविटी भी बढ़े। और इसके लिए कौन काम करता है? तो इसके लिए काम करते हैं नाबार्ड, जो हमने पहले देखा कि जो गवर्नमेंट की, RBI की बनाई हुई बैंक, नाबार्ड बैंक। तो वही बैंक जो है वो ये रिसर्च का वर्क भी करते हैं कि जिनमें वो चेक करते हैं क्या भाई फार्मर्स के लिए अगर कोई नई टेक्निक आती हो, कि जैसे कोई कोई वर्क पहले जो हाथ से होता था, अब वो नई टेक्नोलॉजी से हो रहा है, नई टेक्निक से हो रहा है, तो गवर्नमेंट सामने से फार्मर्स को ये टेक्निक सिखाती है, बरबर? फार्मर्स के साथ कोई एक्सप्लोटेशन तो नहीं कर रहा है, तो उनके लिए अलग अलग संस्थाएं बनी रहती हैं कि फार्मर्स को कोई भी प्रॉब्लम हो तो वहां जाकर वो बता सकते हैं। पता है बैंक में वो जनधन योजना शुरू की है फार्मर्स के लिए, खास जब शुरू हुई थी पहले, बरबर? जनधन योजना, कि जहाँ पर जीरो बैलेंस से भी फार्मर्स अपना बैंक अकाउंट खुलवा सकते हैं। उनका मेन मकसद यही था कि अगर फार्मर्स बैंक अकाउंट खुलवाएंगे तो इनडायरेक्टली वो बैंक रिलेटेड वर्क भी करने लगेंगे, जो भी उनके डेवलपमेंट में बहुत काम आएगा, बरबर? तो ऐसा रिसर्च होने लगा। रिसर्च का मतलब यही कहलाता है कि भाई नई नई चीज़ें ढूंढने लगे कि जिससे फार्मर्स की भी ग्रोथ हो और ओवरऑल पूरी इंडिया में एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज होती रहे, ठीक है? तो ये हमने देखे, वो थे इंस्टीट्यूशनल मेजर्स। अब दूसरे आते हैं, वो आते हैं टेक्नोलॉजिकल मेजर्स। सेकंड कौन से? तो टेक्नोलॉजिकल मेजर्स,
कि भाई टेक्नोलॉजी में कैसे कैसे चेंजेस आए हैं, कि जिनमें सबसे पहला आता है इम्प्रूव सीड्स। इम्प्रूव सीड्स मतलब जो हाइब्रिड सीड्स कहलाते हैं। पहले के टाइम में जो सीड्स तैयार करते थे ना फार्मर्स, वो खुद ही भाई, जैसे अगर कोई एक क्रॉप तैयार हुआ तो एक क्रॉप में से जो सीड्स मिलते थे तो उसी के थ्रू ही वो दूसरे क्रॉप्स भी तैयार करते थे। लेकिन फिर उनसे उनसे फिर नुकसान क्या होता है पता है, कि अगर बाय चांस कोई एक सीड उसमें से ख़राब भी निकले ना, और फार्मर्स को ये पता ना चले, फार्मर्स ने वो सीड्स ज़मीन में डाल दिया, तो उससे ज़मीन भी ख़राब होती, क्रॉप्स भी ख़राब होता, और उसे एक सीड की वजह से आसपास के दूसरे कुछ प्लांट्स भी ख़राब हो जाते, तो फार्मर्स को काफ़ी नुकसान उठाना पड़ता था। लेकिन अब जो सीड्स आते हैं ना, वो इम्प्रूव सीड्स मतलब हाइब्रिड सीड्स कहलाते हैं। जो सीड्स साइंटिफिक इन्वेंशन से अब बनाए जाते हैं, मतलब साइंस की मदद से बनाए जाते हैं, अब लेबोरेटरी में ऐसे सीड्स तैयार किए जाते हैं कि जहाँ पर उन सीड्स की प्रॉपर केयर होती है, प्रॉपर पहले क्या कह सकते हैं कि उनको चेक किया जाता है कि भाई ये सीड्स बरोबर है या नहीं है, ठीक है, इन सीड्स में कोई बीमारी तो नहीं है, क्या इस सीड्स की अच्छी ग्रोथ होगी या नहीं होगी। तो इस तरह से सीड्स को जो है वो चेंज किया जाता है, केयर किया जाता है, और फिर ऐसे सीड्स का अगर फार्मर्स यूज़ करते हैं ना, तो उनसे ना कोई बीमारी होती है, ना ना क्रॉप्स ख़राब होते हैं, और उल्टा क्रॉप्स की जो है वो ग्रोथ भी जल्दी होती है। तो टेक्नोलॉजी से ये फ़ायदा हुआ ना, ये सीड में जो चेंजेस आने लगे ना, इस सिचुएशन को नाम दिया गया सीड रिवॉल्यूशन नाम दिया गया, ठीक है। और आज के टाइम में तो हर एक फार्मर्स को ऐसी ट्रेनिंग भी दी जाती है कि ऐसे सीड्स का वो लोग यूज़ करें, बरोबर ना। तो ये एक बेनिफिट मिला ना, इम्प्रूव सीड्स। दूसरा आता है टेक्नोलॉजी में, वो आता है यूज़ ऑफ केमिकल बेस्ड फर्टिलाइजर्स, ठीक है। आज के टाइम में इंडिया में केमिकल बेस्ड फर्टिलाइजर्स का यूज़ भी इंक्रीज होने लगा है, बढ़ने लगा है, क्योंकि ये केमिकल बेस्ड फर्टिलाइजर्स जो होते हैं ना, वो प्लांट्स को जितने भी न्यूट्रिशन चाहिए, जितनी भी चीज़ें चाहिए, वो सब चीज़ें बरोबर प्रॉपरली उन्हें दे पाते हैं। कि जिनसे फ़ायदा क्या होता है, तो जिनसे एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। जनरली जो ये केमिकल फर्टिलाइजर्स होते हैं ना, मेन केमिकल फर्टिलाइजर उनमें से है वो है एनपीके, एनपीके नाइट्रोजन फास्फोरस एंड पोटेशियम, बराबर। एनपीके फर्टिलाइजर्स ये सबसे बेस्ट फर्टिलाइजर माने जाते हैं, कि जिससे जिससे क्रॉप्स की जितनी ग्रोथ होनी चाहिए उससे डबल ग्रोथ होती है। मतलब क्रॉप्स समझो जो बनने में 4 महीने लगते हो ना, तो उनकी जगह पर वही क्रॉप्स 2 महीने में तैयार हो जाते हैं, बराबर। तो ये एक फ़ायदा होता है ना, ये केमिकल बेस्ड फर्टिलाइजर्स वो भी आज नई टेक्नोलॉजी की मदद से ऐसे बनाए जाते हैं। दूसरा आता है इंक्रीज इन इरिगेशन फैसिलिटीज़, कि अब टेक्नोलॉजी की मदद से इरिगेशन फैसिलिटीज़ भी इंक्रीज़ की गई, बराबर। हमारे एग्रीकल्चर पता है हमेशा से कैसे माना जाता था, कि वो डिपेंडेंट है। डिपेंडेंट मतलब किसके ऊपर, रेन के ऊपर डिपेंडेंट है। बारिश हो तो उस साल जो है वो एग्रीकल्चर अच्छा होता है, बारिश ना हो तो एग्रीकल्चर नहीं होता, ऐसे माना जाता है, बरोबर। और हमारे इंडिया में ये बारिश तो हमेशा से एक प्रॉब्लम रही है, कभी भी रेगुलर बारिश इंडिया में नहीं होती, हमेशा इरेगुलर होती है, कभी बिल्कुल नहीं होती, कभी जो है वो थोड़ी बहुत या कभी बहुत ज़्यादा हो जाती है बारिश। हर चीज़ जो है वो एग्रीकल्चर को नुकसान करती है, और फिर किसान करते भी क्या, कि भाई बारिश के 4 महीने वो खेती करते हैं, और बाकी के महीने उन्हें वेस्ट बैठा रहना पड़ता है, कुछ भी काम ना हो ना उसमें। तो इस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए भी टेक्नोलॉजी की ही मदद ली गई, कि अब टेक्नोलॉजी की मदद से हर एक जगह पर इरिगेशन फैसिलिटीज़ दी गई, पानी की फैसिलिटीज़, कि जहाँ पर आसपास में कोई रिवर हो, लेक हो, पॉन्ड हो, तो उनमें से कैनल्स बनाकर, बरबर मतलब कि नहर बनाकर, वो नहर जो है वो कहाँ तक भेजी गई, तो हर एक फार्म तक, हर एक जो है वो खेतों तक पहुंचाई गई, बरबर ना। और इसके लिए अलग अलग क्या कह सकते हैं कि भाई संस्थाएं बनाई गई, गवर्नमेंट की अलग अलग पार्टीज इनके लिए काम करती है, कि जैसे डेवलपमेंट प्रोग्राम फॉर इरिगेशन सेक्टर्स, ये एक प्रोग्राम बनाया गया कि जिसके थ्रू इंडिया में ऑलमोस्ट प्लेसेस पर, आज ऑलमोस्ट प्लेसेस पर जो है वो पानी की फैसिलिटीज मिलती है इनके थ्रू, या इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड, बरोबर। ये एक छोटी सी संस्था, समझो छोटा सा वर्क शुरू किया गया, जिनका मकसद भी यही था कि ओवरऑल हर तरह से इम्प्रूवमेंट होना चाहिए हर किसी का, कि जिनमें फार्मर्स में इरिगेशन फैसिलिटीज देना, ये भी उनका एक वर्क था, बरोबर। तो इन शॉर्ट समझो कि हमारे यहाँ पर इरिगेशन फैसिलिटीज, पानी की फैसिलिटीज भी बढ़ाई गई, तो जिससे प्रोडक्शन में तो यही फायदा होता था ना, कि
कि बारिश के 4 महीने तो चलो बारिश पड़ती थी तो उससे खेती हो जाती, और बाकी के 8 महीने अगर बारिश न भी हो ना, तो भी इनके थ्रू जो है वो ये पानी मिल जाता था, ये इरिगेशन फैसिलिटीज के थ्रू पानी मिल जाता, और फिर जो है वो हर एक फार्मर अपनी खेती कर पाते। मतलब अब खेती खाली 4 महीने नहीं, अब 12 ही महीने खेती चलती है ये इरिगेशन फैसिलिटीज की वजह से, बराबर। तो जिससे प्रोडक्शन भी तो बढ़ेगा ही ना। उसके बाद आता है यूज ऑफ मशीन्स। तो मशीन्स का यूज़, हमने कल भी एक ये रीज़न देखा था कि हमारे यहाँ पर एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी इसलिए लो है, प्रोडक्शन इसलिए कम होता है, क्योंकि यहाँ पर जो है वो मशीन्स, वो पुराने ज़माने की मशीन्स यूज़ करते हैं। यहाँ तो हाथ से काम किया जाता है, मशीन से नहीं, तो जिनकी वजह से टाइम भी बहुत निकलता है और प्रोडक्शन भी कम होता है। और अब उसकी जगह पर जो है वो नई नई मशीन का डेवलपमेंट हुआ है, टेक्नोलॉजी की मदद से अब नई मशीन्स बनाई गई है कि जिनमें आज एग्रीकल्चर सेक्टर में अलग अलग मशीन जैसे ट्रैक्टर, ट्रेलर, थ्रेशर, इलेक्ट्रिक पंप सेट, ऑयल इंजन, पेस्टिसाइड्स के लिए स्प्रिंकलर पंप, इन सब मशीनों का यूज होता है आज के टाइम में, बरोबर के नहीं। और देखो ये मशीन जो है वो बहुत बेनिफिट देते हैं कि जिनसे क्या होता है कि भाई जो प्रोडक्शन जितना जल्दी होना चाहिए तो उतना जल्दी यहाँ पर हो पाता है इन मशीन्स के थ्रू ही, बरोबर ना। टाइम बचता है ना, कि जैसे अगर जो है वो पहले हार्वेस्टिंग होती थी तो पूरे खेत में पूरा अनाज हाथ से जो है वो तोड़ा जाता था ये हार्वेस्टिंग के लिए, जिसमें बहुत टाइम निकल जाता था। लेकिन अब हार्वेस्टर वो मशीन आती है कि जिसके थ्रू इजीली पूरे खेत में जितने भी क्रॉप्स हैं वो सभी क्रॉप्स को हार्वेस्ट किया जाता है, सभी क्रॉप्स को एक साथ जो है वो निकाला जाता है, और वो भी अच्छे वे में मशीन्स के थ्रू। तो जिससे कह सकते हैं ना कि भाई मशीन्स के थ्रू भी हमारे यहाँ पर प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होती है, बरबर। दूसरा टेक्नोलॉजी में फैक्टर आता है, वो आता है पेस्टिसाइड्स। तो पेस्टिसाइड्स देखो ये भी एक बात है कि भाई जहाँ पर फार्म में खेतों में जो है जब क्रॉप्स तैयार किए जाते हैं तो आसपास के छोटे छोटे इंसेक्ट, कीड़े मकोड़े वगैरह आकर जो है वो क्रॉप्स के ऊपर चढ़ जाते हैं, वो उन्हें डैमेज करते हैं, उनमें बीमारियां फैलाते हैं, बरबर ना, कि जिससे फिर जितना प्रोडक्शन हो ना उतना प्रोडक्शन नहीं हो पाता। जितना भी खेत तैयार करो उसमें से आधे खेत में अगर ऐसी बीमारी लग जाए, सब ये कीड़े मकोड़े वगैरह उन्हें अगर खराब कर देते हो तो समझो प्रोडक्शन पर तो बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा ना। और इस लॉस को रोक सकते हैं कैसे, तो आज के टाइम में ऐसी पेस्टिसाइड्स और इंसेक्टिसाइड्स बनते हैं, ऐसी दवाइयां अब बन रही हैं कि जो दवाइयों को अगर उन्हें खेतों में छांट दिया जाए, मतलब उसके उसमें डाल दिया जाए क्रॉप्स के आसपास, तो कोई भी छोटे छोटे इंसेक्ट, पेस्ट, ये कोई भी जो है वो क्रॉप्स को डैमेज नहीं करते, क्रॉप्स के आसपास नहीं आते उसमें, बरबर ना। तो जिनसे भी इनडायरेक्टली प्रोडक्शन इंक्रीज होता है, बरबर। तो ये पेस्टिसाइड्स भी यूज होते हैं। इनके बाद आते हैं सॉइल टेस्टिंग। सॉइल टेस्टिंग देखो ये टेक्नोलॉजी के थ्रू पॉसिबल है, पहले के टाइम में ऐसा नहीं होता था, कि आज के टाइम में जो भी सॉइल है ना उस सॉइल को भी प्रॉपर टेस्ट किया जाता है। टेस्ट करना मतलब चेक किया जाता है कि कौन सी सॉइल किसके लिए ज्यादा बेटर है, बरबर ना, कि कौन सी सॉइल में कौन से क्रॉप्स ज्यादा तैयार होंगे, कि अगर ब्लैक सॉइल है तो हाँ यहाँ पर कॉटन क्रॉप्स ज्यादा तैयार हो सकते हैं, ठीक है। और इनके अलावा उसमें टेस्टिंग भी होती है कि भाई कौन से सॉइल में जो है वो कौन से मिनरल्स कम हैं या ज्यादा हैं, तो उनके अकॉर्डिंग फिर फर्टिलाइजर्स यूज होते हैं, बरबर ना, कि अगर सपोज कोई सॉइल में जो है वो कोई मिनरल्स की कमी है तो फिर फर्टिलाइजर ऐसे यूज करते हैं ना कि जिससे वो मिनरल्स की कमी पूरी हो जाए और क्रॉप्स को प्रॉपर मिनरल्स मिलते रहे, बरबर। तो इस तरह से देखो सॉइल टेस्टिंग ये भी टेक्नोलॉजी के थ्रू की जाती है, और इनडायरेक्टली उससे भी जो है वो प्रोडक्शन बढ़ता है, कि अगर सॉइल बरोबर होगी चेक करके फिर उसमें अगर क्रॉप्स ऐड किए जाएं सॉइल के अंदर तो क्या होगा, तो वो क्रॉप्स का इंक्रीमेंट ही होगा ना, क्रॉप्स जल्दी और अच्छी तरह से तैयार होंगे कि नहीं, ठीक है। तो ये सब किस में आते हैं, वो आते हैं टेक्नोलॉजिकल मेजर्स। एंड उनके बाद आता है वो आता है अदर मेजर्स। तो अदर मेजर्स क्या, अदर मेजर्स में सबसे पहला आता है अवेयरनेस। प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए फार्मर्स में अवेयरनेस होनी चाहिए। आपने जो अभी देखे ना इंस्टीट्यूशनल मेजर्स और टेक्नोलॉजिकल मेजर्स, तो देखो ये मेजर्स फार्मर्स के पास तभी पहुंचेंगे ना कि जब वो खुद अवेयर हो, खुद वो एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हो। गवर्नमेंट ने देखो नई नई टेक्नोलॉजी अपना ली, नए नए रूल्स अपना लिए, लेकिन फार्मर्स को पता ही ना हो तो,
बरोबर, फार्मर्स को पता ही ना हो तो फिर ये रूल्स कौन से काम के, ये टेक्नोलॉजी कौन से काम की, अगर फार्मर उनका यूज ही ना कर सके तो। सही बात क्या? नहीं तो इसीलिए इसीलिए अब जो है वो सबसे पहले फार्मर्स को एजुकेशन दिया जाता है, फार्मर्स में अवेयरनेस फैलाई जाती है। इसके लिए पता है इनडायरेक्टली टीवी पर अब किसान चैनल चलती है। आप लोगों को ध्यान होगा कि अब टीवी पर जो है वो ऐसी चैनल्स चलती है, किसान चैनल, कि जहाँ पर हमेशा पूरा ही दिन वो सिर्फ यही बातें करते हैं, मतलब यही टॉपिक्स बताए जाते हैं कि भाई फार्मर्स को इनडायरेक्टली और डायरेक्टली कैसे बेनिफिट मिल सकता है, प्रोडक्शन कैसे बढ़ा सकते हैं, नई नई बातें, कौन कौन सी नई टेक्नोलॉजी इंक्लूड हुई है, ये सब अप टू डेट इंफॉर्मेशन उस चैनल्स पे दी जाती है। अब फार्मर्स के लिए जो है वो मोबाइल्स ऐप भी आ चुके हैं, गवर्नमेंट की तरफ से टोल फ्री नंबर्स ऐड होता है कि जिनमें फार्मर्स को कभी भी कोई भी तरह की तकलीफ हो ना तो वो वहां पर बता सकते हैं, ठीक है। और इन सब के लिए गांव गांव जाकर फार्मर्स को एजुकेशन दिया जाता है, अवेयरनेस फैलाई जाती है। सरकार ने रूल्स बनाए, फिर से वही बात ना कि सरकार ने रूल्स बनाए लेकिन उनको पता तब चलेगा जब उनके पास में जाकर उनको बताया जाएगा, तो ही फार्मर्स को पता चलेगा। और गवर्नमेंट के जो वॉलंटियर्स है ना, तो वो सब जाकर हर गांव गांव में जाकर और उन्हें बताते हैं, उन्हें ये चीजें समझाते हैं फिर, कि जिससे फार्मर्स इनडायरेक्टली इन चीज़ों का यूज़ करने लगते हैं, ये नई नई टेक्नोलॉजी का यूज़ करने लगते हैं और प्रोडक्शन इंक्रीज होता है। इनके अलावा हमारे यहाँ पर पता है अदर मेजर्स में कल हमने देखा था कि पॉपुलेशन पॉपुलेशन की समझो प्रेशर, पॉपुलेशन प्रेशर वो हमारे यहाँ पर एग्रीकल्चर पे बहुत है, कि जहाँ पर 5 लोगों की जरूरत है सिर्फ एग्रीकल्चर में, तो वहाँ पर 10 लोग काम कर रहे हैं, 15 लोग काम कर रहे हैं, एक्स्ट्रा लोग ये काम कर रहे हैं। तो ये एक्स्ट्रा लोग अगर कोई दूसरी एक्स्ट्रा एक्टिविटी में जुड़ जाएं तो जिसकी वजह से एग्रीकल्चर का बर्डन भी कम हो जाएगा और प्रोडक्शन भी इंक्रीज होगा, बराबर। तो इसके लिए अब गवर्नमेंट ट्राई करती है, लोगों में ये एक और अवेयरनेस फैलाती है कि जिससे सभी फार्मर्स जो उनके साथ एक्स्ट्रा लोग जुड़े हुए हैं ना, उन्हें वो एक्स्ट्रा एक्टिविटीज करवा सके। एक्स्ट्रा एक्टिविटी कौन कौन सी, जैसे कि कैटल रेयरिंग, मतलब कि इन गाय भैंस वगैरह को पालना, फिर पोल्ट्री फार्मिंग, नहीं वो हैंस एंड चिकन्स को पालते हैं, या तो फूड प्रोसेसिंग वर्क, या फिर जंगल वर्क, ठीक है, मतलब आसपास के जो जंगल होते हैं उनकी केयर करना, गवर्नमेंट उन्हें जॉब देते हैं कि हाँ भाई उन जंगलों की केयर करो, बराबर, कि इनडायरेक्टली उन्हें जो है वो उसके पैसे भी मिलते हैं। या फिर ऐसे कैटल रेयरिंग, गाय भैंस को पालना, तो उनमें से डेयरी वर्क चलता है, बराबर ना, जो गाय भैंस जो भी दूध देती है तो उनके सेलिंग से भी फार्मर्स को अच्छी खासी इनकम हो जाती है। पोल्ट्री फार्मिंग में जो हैंस एंड चिकन्स होते हैं तो वो जो एग देते हैं तो उनकी सेलिंग से भी उन्हें अच्छी खासी इनकम हो जाती है, बरबर ना। तो देखो ये सब एक्स्ट्रा वर्क जो एग्रीकल्चर के साथ साथ हो सकता है वो फार्मर्स को सिखाया जाता है, लिटरली सिखाया जाता है। जैसे मैंने ये किसान चैनल बताई कि उस चैनल पर भी ऐसे प्रोग्राम्स आते हैं कि जहाँ पे उनको ये एक्स्ट्रा वर्क सिखाया जाता है, और ये सिखाने का मेन मकसद यही कि जो एक्स्ट्रा फार्मर्स खेती में जुड़े हुए हैं ना, वो वहां से हटकर और ये वर्क कर सके, इसके लिए उन्हें ये काम दिया जाता है ना, बरबर ना। तो देखो ये सब इम्प्रूवमेंट हुई है, ये सब रिफॉर्म्स हुए हैं, इंस्टीट्यूशनल, टेक्नोलॉजिकल, ये अदर मेजर्स, ये सब चेंजेस हुए हैं कि जिससे हमारे यहाँ पर एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन बढ़े। और इससे फायदा हुआ तो बिल्कुल हुआ। हमारा आखिरी पॉइंट आता है मॉडर्न एग्रीकल्चर एंड ग्रीन रिवॉल्यूशन, तो बिल्कुल जो है वो ये पॉइंट आता है, इसमें आता है फायदा हुआ, जो भी ये मेजर्स हुए, जो भी चेंजेस हुए, उससे एग्रीकल्चर को बहुत बड़ा फायदा हुआ। कहा जाता है कि 1966 के आसपास, है ना, उस ईयर के आसपास हमारी कंट्री एग्रीकल्चरल कंट्री होने के बावजूद दूसरे देशों के ऊपर डिपेंड थी, एग्रीकल्चर के लिए दूसरे देशों के ऊपर डिपेंड थी। मतलब यहाँ पर पूरा खाना भी नहीं बनता था, पूरा खाना भी नहीं बनता था कि जिससे जो है वो इंडिया के सभी लोगों के लिए वो भरपूर हो सके, इतना खाना भी तैयार नहीं होता था, और बाहर के देशों से अनाज वगैरह मंगवाना पड़ता था। डिपेंडेंट थी हमारी कंट्री, कि जहां पर उसके बाद नक्की किया गया कि नहीं, हम लोग हमारी एग्रीकल्चर में भी चेंजेस करेंगे। 1966 के आसपास ये नक्की किया गया कि हम लोग यहाँ पर चेंजेस करेंगे, और वो चेंजेस जो होगा ना, कि जिससे हमारी कंट्री एग्रीकल्चरल कंट्री है तो कम से कम हमारे एग्रीकल्चर के लिए तो हमें सेल्फ रिलायंट होना चाहिए ना, बरबर ना, कि जिसमें ग्रीन रिवॉल्यूशन के नाम पर, अब ध्यान से सुनना, कि 1960-61 में
1960-61 में हमारे इंडिया के कुछ कुछ प्लेसेस पर, जैसे पंजाब हरियाणा जैसे प्लेसेस हैं, कि वहाँ पर पायलट प्रोजेक्ट के नाम पर, पायलट प्रोजेक्ट मतलब कहलाते हैं कि भाई एक एक्सपेरिमेंट की तरह, एक एक्सपेरिमेंट की तरह एक प्रोजेक्ट शुरू किया गया, कि जहाँ पर जो पंजाब हरियाणा जैसे प्लेसेस हैं वहाँ पर एग्रीकल्चर का वर्क नई टेक्नोलॉजी से, नए जो है वो हाइब्रिड सीड्स, नए फर्टिलाइजर जो हमने आगे देखे थे ना टेक्नोलॉजी मेजर्स में, तो ऐसे सभी नई टेक्नोलॉजी के साथ वहाँ पर वर्क शुरू किया गया और एक्सपेरिमेंट किया गया कि भाई जो है वो चेक करें इसमें सही से प्रोडक्शन हो रहा है या नहीं, प्रोडक्शन इंक्रीज हो रहा है या नहीं हो रहा। और कुछ ही टाइम में वहाँ पर रिजल्ट मिल गया, जो पंजाब हरियाणा में ये एक्सपेरिमेंट हुए थे और वहाँ पे ये रिजल्ट मिल गया कि हाँ सच में इन चीज़ों से प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा इंक्रीज हुआ, एग्रीकल्चर में बहुत बड़ा फर्क आया था, बराबर ना। जो गवर्नमेंट ने ऐसा एक एक्सपेरिमेंट किया था, सिर्फ जो एक्सपेरिमेंट पायलट प्रोजेक्ट के नाम से शुरू किया गया था, और या तो उसे कहते थे IADP, इंटेंस एग्रीकल्चर डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम, इंटेंस एग्रीकल्चर डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम, इस नाम से जो है वो शुरुआत की गई, बराबर। और जब ये सक्सेस हुआ ना, तो फिर उनको कहा गया कि आप सिर्फ पंजाब हरियाणा नहीं, आप पूरे देश में इसको अप्लाई करेंगे, पूरी कंट्री में इसका जो है वो एप्लीकेशन होगा। और यह IADP नाम बदल के उसको नया नाम रखा गया, वो तो था HYVP, HYVP, हाई यील्डिंग वेराइटीज प्रोग्राम, हाई यील्डिंग वेराइटीज प्रोग्राम, बरबर ना। या दूसरा नाम उसे सिंपल दिया गया, जो नाम दिया गया ग्रीन रिवॉल्यूशन, ग्रीन रिवॉल्यूशन। क्या सच में ये एक बहुत बड़ा रिवॉल्यूशन था, नई टेक्नोलॉजी नई चीज़ों का यूज़ करके, कि अब जो है वो प्रोडक्शन हद से ज़्यादा इंक्रीज हो रहा था, बरबर। तो ये ग्रीन रिवॉल्यूशन जब हुआ ना, तो लगा कि हाँ भाई अब हमारी कंट्री आगे बढ़ रही है। और कुछ ही सालों में हमारी कंट्री का एग्रीकल्चर इतना डेवलप हो गया कि अब जो हमारी कंट्री पहले डिपेंडेंट थी ना, दूसरे देशों के ऊपर डिपेंड थी, नहीं, अब हमारी कंट्री सेल्फ रिलायंट हो चुकी है। और इतनी सेल्फ रिलायंट है, इतना जो है वो सेल्फ डिपेंड अब हो चुकी है, कि हमारे यहाँ पर अब अनाज की कभी कोई कमी नहीं पड़ती। इवन अब हमारे पास सरप्लस ग्रेन्स बचते हैं, सरप्लस जो है वो फार्मिंग प्रोडक्ट बचते हैं, कि अब हम लोग वो फार्मिंग प्रोडक्ट बाहर के देशों में भेजते हैं, के लिए पहले जो है वो बाहर से मंगवाने पड़ते थे, इतनी कमी थी, अब एक्स्ट्रा है कि हम लोग बाहर के देशों में भेज सकते हैं। तो बताओ ये सच में जो है वो एक ग्रीन रिवॉल्यूशन कहलाया ना, बरबर ना। ये मॉडर्न टेक्नोलॉजी की मदद से आज के टाइमिंग में ये ग्रीन रिवॉल्यूशन पॉसिबल हुआ है, और उसकी वजह से ही आज हमारे एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन ज़्यादा है, और आज हम लोग सच में पूरे गर्व से कह सकते हैं कि हाँ हमारी कंट्री जो है वो एग्रीकल्चरल कंट्री है, क्योंकि यहाँ पर एग्रीकल्चर का रियली इतना अच्छा वर्क हुआ है, बरबर। समझ आई बात? तो देखो आज जैसे हमने ये पॉइंट्स देखे ना इनमें, अब वैसे ही इनके आगे के पॉइंट्स, आगे के टॉपिक्स, वो अब हम लोग अगले वीडियोस में देखेंगे। ओके, थैंक यू।